अंजुम बारा बंग कवि ने कहा था कि मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, हवा चराग नहीं दिल बुझाना चाहती है। मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, हवा चराग नहीं दिल बुझाना चाहती है। तुझे मरज है उदासी के गीत सुनने का, अरे ये जिंदगी तो अभी मुस्कुराना चाहती है, ये जिंदगी तो अभी मुस्कुराना चाहती है। तो आइए हाजरीन, जिंदगी को थोड़ा मुस्कुराया मुस्कुराया जाए। और मैं इस वक्त चाहता हूँ कि इस मुशायरे के लिए आपके घर के एक बेटे ने, भाई ने, दोस्त ने बड़ी मेहनतें की थी, अजमल सिद्धार्थ नगरी। मैं इस वक्त उनसे इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, जोरदार तालियां बजाएं, अजमल सिद्धार्थ नगरी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया तमामी दोस्तों का, खास करके रिजवान भाई का, जिन्होंने इस मुशायरे के लिए मेरे से 6 महीने पहले इस मुशायरे को करवाने के लिए बात की थी। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, मैंने भी काफ़ी मेहनत की, और इनके दोस्त अहबाब ने भी काफ़ी मेहनत की। काफ़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार चला। मैं मुंबई से चलकर इस मुशायरे को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इस मुशायरे को इसलिए मेहमान नहीं बना हूँ, बल्कि मेरे यहाँ पे जो मेहमान आए हैं मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए आया हूँ। एक बार मेरे मेहमान के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप लोग हौसला अफजाई करें। आइए सीधे सीधे 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ। मुझे अपना पहचान बताने की, अपना नाम बताने की कोई जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि सिद्धार्थ नगर का नाम यहाँ भी रोशन हो रहा है, और आपकी दुआ से पूरी मुंबई में नाम रोशन कर रहा हूँ। इसके लिए आपको जोरदार तालियां बजाने की जरूरत है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ अभी। मोहतरमा चांदनी सबनम, पता नहीं क्या प्यार मोहब्बत की बात, और मेरे निहाल भाई उनकी दीवानगी में पागल हुए बैठे थे। तो ये 4 मिसरे आपके हवाले से उन तक पहुंचाता हूँ, बतौर खास समाज फरमाए। उम्र भर का ऐसा ऐसा गवा के बैठे हैं। रिजवान भाई देखिएगा, उम्र भर का ऐसा ऐसा गवा के बैठे हैं, किसी के इश्क में दुनिया लुटा के बैठे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के इश्क में दुनिया लुटा के बैठे हैं, बहुत उदास है मौसम गरीब खाने का, चले भी आओ कि हम दिल जला के बैठे हैं, चले भी आओ कि हम दिल जला के बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन सिद्धार्थ नगरी का, ये हमारे सिद्धार्थ नगर के नौजवान शायर हैं, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जितना मेरी तरफ से मेहनत रहेगा, मैं अपने सिद्धार्थ नगर के जितने भी नौजवान शायर हैं इंशाल्लाह सब लोगों को मैं मुंबई ले जाकर प्रोग्राम करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। एक बार जोरदार तालियां मेरे नौजवान शायरों के लिए हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई आपकी मोहब्बतों का। आइए निहाल भाई, आप फोन बंद कर दीजिए, थोड़ा ध्यान इधर पे दीजिए, क्योंकि आपके गांव का लड़का हूं, आपके सिद्धार्थ नगर का लड़का हूं। अगर मेरा नाम होगा तो आप भी फख्र से पूरे जिले में ये बोलेंगे कि अजमल मेरा भाई है। तो पढ़ता हूँ शेर, बतौर खास समाज फरमाए। भूल जाना आपकी आदत है भूला कीजिए, भूल जाना आपकी आदत है भूला कीजिए, पर मेरी तस्वीर को ऐसे न फेंका कीजिए। भूल जाना आपकी आदत है भूला कीजिए, मैं तो मरहम आपका हूँ, आप हैं मेरे लिए। हसमत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे काफी अच्छे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, साहिल रानी साहब मेरे गांव के, काफी लोग भी यहाँ पर मौजूद होने वाले थे लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं हुए। मैं सबकी दुआएं चाहते हुए ये 2 मिसरा लास्ट पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरे मेहमान लोग हैं, क्योंकि मेहमानों के लिए मुझे टाइम बताना बहुत जरूरी है। जमील भाई ये आखिरी 2 मिसरा पढ़ के अपनी मैं जगह लेता हूँ।
मैं तो मरहम आपका हूँ, आप हैं मेरे लिए। मेरी नजरों से नहीं गैरों से पर्दा कीजिए। भूल जाना आपकी आदत है भूला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।